गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, आई एम रिद्धिमा मिस योर SST टीचर। और आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 2 का जो बचा हुआ टॉपिक्स था वो क्लियर कर लेते हैं। कल वाले टॉपिक में हम लोग हॉरिजन, ग्लोब एंड मैप्स के बारे में पढ़ लिए थे, आज हम लोग कंटिनेंट एंड ओशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। आवर अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज, सो द वाटर बॉडी प्रेजेंट ऑन अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड ओशियन। There are 5 ocean on the earth surface: Pacific, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic and Southern Ocean. हम जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो लैंड एंड वाटर बॉडी के मिक्सचर से बना हुआ है। इसमें 3/4 पार्ट वाटर सर्फेस है एंड 1/4 पार्ट इसका लैंड सर्फेस है, लैंड एरिया है। तो वाटर और लैंड के मिक्सचर से हमारा अर्थ बना हुआ है। तो जो लार्ज लैंड मासेस अर्थ पर प्रेजेंट है, लैंड मासेस को हम कंटिनेंट बोलते हैं, और जो बिग वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट हैं हमारे अर्थ सरफेस पर उनको हम ओशियन बोलते हैं, और स्मॉल वाटर बॉडीज़ जो है उनको हम रिवर सीज के रूप में जानते हैं। ठीक है, ओशियन जो है वो लार्ज वाटर बॉडी अर्थ सर्फेस पर प्रेजेंट है उनको हम ओशियन बोलते हैं। 5 मेजर ओशियन है अर्थ पर: पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड द साउदर्न ओशियन। जिसमें से पैसिफिक ओशियन जो है ये सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरा ओशियन है, और सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन जो है ये है आर्कटिक ओशियन। ओशियन समझ में आ गया, जो लार्ज वाटर बॉडीज प्रेजेंट है अर्थ सर्फेस पर उसको हम ओशियन कहते हैं, ओशियंस बोला जाता है। ठीक है, और टोटल 5 ओशियंस हैं: पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड द साउदर्न ओशियन। ठीक है, और जो लार्ज लैंड एरियाज प्रेजेंट है अर्थ सरफेस पर उनको कंटिनेंट कहा जाता है। ठीक है, और ये कंटिनेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, जैसे प्लेट्यूज के फॉर्म्स में, माउंटेन्स के फॉर्म में, डेजर्ट के फॉर्म्स को जो है लैंड फॉर्म्स के नेम से जाना जाता है। देख लीजिए बुक में भी, ह्यूग एरियाज ऑन लैंड ऑन द ह्यूग एरियाज ऑफ लैंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कंटिनेंट। मतलब जो लार्ज एरियाज लैंड का अर्थ सर्फेस पर प्रेजेंट होता है उसको हम कंटिनेंट कहते हैं। द लैंड इन ईच कंटिनेंट इज अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स को लैंड फॉर्म, और हर कंटिनेंट का जो लैंड है वो अलग अलग फॉर्म्स में है। जैसे कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे डिजर्ट एरिया है, तो उसको हम जो है लैंड फॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, टोटल 7 कंटिनेंट है हमारे अर्थ पर: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड द अंटार्कटिका। सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट जो है ये एशिया है, एशिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटिनेंट है। हमारा इंडिया जो है इसी कंटिनेंट में आता है, एशियन कंटिनेंट में ही हमारा इंडिया आता है। और सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कंटिनेंट एंड ओशन क्लियर हो गया। जो लार्ज वाटर बॉडीज अर्थ सर्फेस पर प्रेजेंट हैं उनको हम ओशियन कहते हैं। ठीक है, और ओशियन जो है 5 टाइप्स के होते हैं: पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड द साउदर्न ओशियन। पैसिफिक ओशियन सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरा और सबसे बड़ा ओशियन है अर्थ पे, और सबसे छोटा ओशियन जो है वो है आर्कटिक ओशियन। और इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन इकलौता ऐसा ओशियन है अर्थ सर्फेस पर जिसका नेम जो है हमारे कंट्री इंडिया के नेम पर रखा गया है। ठीक है, और लैंड कंटिनेंट भी समझिए कि जो लार्ज एरिया लैंड का अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट है उसको कंटिनेंट कहते हैं। हर कंटिनेंट में जो है अलग अलग, हर कंटिनेंट का जो लैंड है वो अलग अलग फॉर्म में है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है कहीं पे, तो उसको लैंड फॉर्म्स कहा जाता है। और टोटल 7 कंटिनेंट हैं: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट जो है आपका एशिया है, एशिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटिनेंट है, इंडिया इसी कंटिनेंट में आता है, एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है, सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ओके, चैप्टर ओवर हो गया। ओके, थैंक यू।